कि जेड़ियां गुडियां आपे उडियां वो कदी ना चढ़न उचाइयां, जेड़ियां गुडियां आपे उडियां वो कदी ना चढ़न उचाइयां, ओहो ही गुडियां चंगियां उडियां जेड़ियां साइयां आप उडाइयां। पंजाबी शायरी मैंने अभी बताया मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब मैं मुश्किलात के दौर से गुजर रही थी तो मुझे बहुत बहुत बड़े हमारे पंजाबी शायर हैं जिसमें बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, उनका कॉन्सेप्ट है थी पंजाब दी, मैं उसके साथ बड़ा रिलेट करती हूँ। बाबा फरीद हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, खड़ी शरीफ से उनका ताल्लुक है, लेकिन पंजाबी शायरी में उनका कोई सानी नहीं है। सुल्तान बाहू हैं, शाकिर शुजा आबादी हैं, साउथ पंजाब का कल्चर भी बहुत रिच कल्चर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अनवर मसूद साहब हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बड़ी खूबसूरत पंजाबी शायरी है उनकी। इसी तरह बॉर्डर पार में मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ अमृता प्रीतम साहिबा को, क्या कमाल शायरी उन्होंने की है। मैंने जेल में उनकी, जब मैं जेल में थी तो मैंने उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी मैंने वो पढ़ी, बहुत खूबसूरत शायरी। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि जब मैं मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जब मेरा ख़ानदान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो बहुत सारी शायरी ऐसी है जो मुझे उस वक्त बड़ा हौसला देती थी, क्योंकि शायर का जो विजडम होता है वो बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद, वो शायर बड़े हसास लोग होते हैं, बड़े गौर से लोगों के रवैयों को स्टडी करते हैं, तो उनका जो एक जो क्रक्स है वो शायरी में नज़र आता है। तो मेरा मियाँ मोहम्मद बख्श, क्योंकि मेरे दादा बहुत शौक से वो कलाम सुनते थे, तो मैं छोटी थी तब से हर जुमे को, हर फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद वो मुझे बुलाते थे और साथ बिठा के मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनते थे। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैं उन चीज़ों से, उन रास्तों से गुजरी, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक एक लफ्ज़ में कितनी हिकमत और कितनी सच्चाई है। जैसे मेरी बहुत मुखालफत हुई, आज तक होती है, बुरे का अच्छे काम को भी बुरा बना दिया जाता है, झूठे इल्ज़ामात का भी मैंने सामना किया, कैरेक्टर असैसिनेशन का मैंने, ज़ाती हमलों का मैंने हाईएस्ट लेवल से अपने मुखालफीन से सामना किया, लेकिन वही मैंने आपको कहा पंजाब की बेटी हूं, तो मैंने आंखों में आंखें डाल के देखा, जवाब दिया उसका पूरा, और घबराई नहीं। इसीलिए मैं अपने मुखालिफीन का शुक्रिया अदा करती हूं कि आज उन्होंने पंजाब की एक बेटी को, पाकिस्तान की एक बेटी को इतना मजबूत बना दिया है कि अल्लाह ताला के फजल से अब मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस चीज़ ने मुझे उस वक्त में ताकत दी, उसमें से बहुत बड़ा किरदार एक मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी का भी है। और बड़ा मुखालफीन ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, ज़बान से भी कहा कि ये ख़त्म हो गए, मिट गए, तो मुझे कभी याद आता था, अब वो याद आता है, शेर ज़्यादा मियाँ मोहम्मद बख्श का था कि जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी ना चढ़न उचाइयाँ, जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उडियाँ वो कदी न चढ़न उचाइयां, ओहो ही गुडियां चंगियां उडियां जेड़ियां साइयां आप उडाइयां।